गाइस, व्हाट्स अप, इट्स योर गुरी वर्मा, इट्स अंजना फ्रॉम फूडाहोलिक। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम फिर से आ चुके हैं सेक्टर 13 में नई वीडियो बनाने के लिए। पहले मेरी बात सुनो, लास्ट वीडियो में ये गुरी वर्मा ने बोला था कि मैं अगली वीडियो में नहीं आऊंगा। शायद बोला था मैंने, शायद। पर शायद में इसका मुंह ऐसा था ना कि ये नहीं आएगा। पर जब मैंने इसको बताया सेक्टर 13 में वीडियो बनाने जाना है, कह चलो ठीक है, थोड़ा टाइम तो मैं निकाल ही लूंगा। उसका नाम है फ्रेश कार्ट। ये है सेक्टर 13 मेन मार्केट में नियर सबवे। और यहाँ पे हम पहले भी एक दो वीडियो बना चुके हैं, उधर जनता प्रीमियम बेकरी में भी, और इधर है हमारा द टेस्टी ट्रक। तो हमने सोचा यहाँ पे एक और वीडियो बना ली जाए, काफी टाइम हो गया 13 सेक्टर में वीडियो नहीं बनाई। तो फिर अब हम चलते हैं आगे, बात करते हैं और कुछ टेस्ट भी कर लेंगे। ओनर, हेलो सर। हेलो सर, अपने नेम बताइए। मेरा नाम रमन है और मेरे को यहाँ पर लगभग 2 से 3 साल के आसपास हो गए हैं आपको यहाँ पे। और टाइमिंग्स क्या रहते हैं? टाइमिंग यहाँ पे मॉर्निंग में हम 12 बजे आ जाते हैं और रात को अपना 11:30 बजे तक रहता है ऑर्डर। लास्ट ऑर्डर 11 बजे तक होता है। ठीक है, और आगे ऑर्डर हो तो कंटिन्यू? हाँ, वो चलता रहता है वो तो। और स्पेशलिटीज क्या है यहाँ की? हमारे यहाँ वेज में, अगर आप ट्राई करोगे, वेज में एक वेज प्लेटर है, उसमें हमारी सारी चीज़ों का टेस्ट रहता है। पनीर टिक्का, पाइन एप्पल टिक्का, मशरूम टिक्का, चाप और मोमो, सारा कुछ मिल जाएगा उसमें। थोड़ी कम होएगी बस। हाँ, उसमें सारा नियर अबाउट 40% पोर्शन सबका हो जाता है। और मोमोज का बता रहे थे? मोमोज हमारे यहाँ पे आपको मिलेंगे अफगानी मोमोज, पहाड़ी मोमोज, तंदूरी मोमोज, तीन मतलब फ्लेवर मिलेंगे रोस्टेड वाले में ही। मैंने आज पहली बार सुना है पहाड़ी मोमोज। अब फटाफट से मेन्यू देख लेते हैं। ये है फ्रेश कार्ड का मेन्यू, फ्रेश कार्ड वी सर्व हेल्थ। तो मैं ज़्यादा अंधेरा नहीं करूँगी इस पे, इधर देख लो। पहले तो आ जाते हैं इसमें तंदूरी स्नैक्स, जिसमें यहाँ वेज आइटम्स दिख रही हैं, इधर दिख रही है नॉन वेज आइटम्स। वेज आइटम्स में आपको मेन दिख रहा है मोमोज, टिक्का और चाप। प्राइजेस मेंशन है, देख लो उधर। नॉन वेज मैं ट्राई नहीं कर रही, बस मैं आपको बता देती हूँ कि इधर नॉन वेज है तो देख लो, रेड में अलग से मेंशन है। इधर आए थे सैलेड। हाँ, जोमेटो ज़्यादा नॉन वेज ऑर्डर आते होंगे ना शायद। इधर आए थे सैलेड्स, इधर ये नॉन वेज वाला ऊपर वाला ही चल रहा है। इधर होम डिलीवरी के लिए यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप ऑर्डर दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मेन्यू पे। इसमें नॉन वेज स्नैक्स है, ये भी रेड में मेंशन है, यहाँ पर दिया हुआ है सब कुछ। ये भी मोमोज, फिंगर्स, पॉपकॉर्न्स वगैरह। हॉट ड्रिंक्स में ये भी दिया है इधर। फिर मैगी आ गए, मैगी में भी काफ़ी वैरायटी है। और यहाँ पे लिखा केटरिंग सर्विस आल्सो अवेलेबल फॉर मैरिज एंड पार्टीज, आप बुकिंग कर सकते हैं यहाँ पे। फिर से आ जाते हैं मेन्यू पे। मेन्यू में हम आ जाते हैं रैप्स, रैप के बाद आते हैं हमारे सैंडविचेस, सैंडविचेस के बाद आते हैं हम बर्गर पे। बर्गर में भी मतलब प्राइजेस सही हैं। और क्विक ईट स्नैक, मतलब क्विक फैट स्नैक्स, मैं कहा हाँ बड़ी जल्दी फैट चढ़ाएगा तो ईट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिर से मेन्यू, जिसमें हमारे शेक्स आए थे, ड्रिंक आइटम्स आ चुकी हैं, कूलर्स, अब तो ठंड आ गया। फिर फ्रेश फ्रूट शेक्स आए थे, कुछ हेल्दी हेल्दी, फिर प्रीमियम शेक्स, कुछ फैट चढ़ाने वाले वाले जी। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या ऑर्डर करना है। एक चीज़ जो मेन्यू में मेंशन नहीं थी, वो है यहाँ का स्पेशल वेज प्लेटर, जो है 200 रुपीज़ का। तो हम सोच रहे हैं ये भी आज ट्राई कर ही लेते हैं, क्योंकि सर ने इसकी तारीफ़ की है कि वेज प्लेटर में हमारी काफ़ी आइटम आती है। जैसे वेज प्लेटर हमने पहले भी ट्राई किया था, आज यहाँ पे भी हम ट्राई कर लेते हैं। और एक और क्या करना है? पहाड़ी मोमोज। इसका प्राइस क्या था? 130 पता नहीं 20 ऐसे था। हाँ, 130 रुपीज़ था। तो हम देख लेते हैं, हमारा ऑर्डर फटाफट तैयार करवा लेते हैं।
अभी आ चुका है हमारा वेज प्लेटर और हमारे पहाड़ी मोमोज जो है, हाँ पुदीना फ्लेवर होता है ये, तो ये पहाड़ी लग रहे हैं बिल्कुल, मतलब पहाड़ के ग्रीनरी। तो अभी हम पहले कौन सा ट्राई करें संजना, पहले ये कर ले क्या, ये ठंडे हो रहे हैं फिर नहीं, मोमोज हर बार ठंडे हो जाते हैं हमारे, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। हाथ से ही तोड़ने भी हैं, देख संजना किस चीज़ पनीर की फीलिंग है ना, जूसी पनीर है देखा ना, ऐसे टेस्ट कर लेते हैं फटाफट। प्याज तो टेस्टी है, चल लगा ये ग्रीन ग्रीन मोमोज हमारा ग्रीन ग्रीन चटनी में जाते हुए और ये हमारे भूखे पेट में जाते हुए। अच्छा पुदीना फ्लेवर अच्छा आ रहा है इसमें। आज हम सारी आइटम तंदूरी ट्राई कर रहे हैं। तो कैसा कैसा फ्लेवर आ रहा है इसमें? इसमें मतलब एक तो इन्होंने जो ऊपर ये तंदूरी की वो लगा रखे ना चटनी सी ग्रीन ग्रीन, इसमें दही पुदीना और मसाले डले इनके स्पेशल जो इन्होंने बताए नहीं है, तो है। अच्छा लग रहा है। और जो ये प्याज होते हैं तो मसाले वाले हाँ, तो फटाफट से इसमें बता दे क्या क्या दे रखा है। इसमें हमें दे रखा है पनीर, ये चाप है ना, नहीं ये भी पनीर ही है, ये चाप है और ये है पाइन एप्पल और ये मोमोज और मशरूम भी है इसमें। कहाँ पे है? हाँ ये रहा, तो हम ट्राई करते हैं मशरूम। कितना सॉफ्ट है मशरूम, बहुत पसंद आया इधर का ना। हाँ लास्ट टाइम मैंने तंदूरी तंत्रा पे ट्राई किया था, तो इसे ट्राई किया है हाँ, वहाँ पे वेज प्लेटर किया था और मोमोज किए थे, पर यहाँ पे पहाड़ी मोमोज जो मैं पहली बार खाए हैं आज। ओए होए होए सना टपकने वाली है। वैसा ही फ्लेवर है इसका, तो और तंदूर में बनता है ना तो टेस्ट चेंज हो जाता है। और तंदूर में तंदूर के साथ आइटम के साथ बस एक ही चटनी मिलती है ग्रीन वाली और ये बेस्ट है। तो फ्लेवर पता है ना। अब मेरी फेवरेट आइटम यही है ना संजना, कहाँ छुप रही थी तू? ओए हमेशा की तरह बेस्ट, बिल्कुल परफेक्ट फ्लेवर है इसमें। और इनकी जो ऊपर मसाले छिड़क रहे हैं ना, इनका मसाला कुछ अलग सा है, चटपटा सा है, चार मसाला मिला रखा और एक मसाला और है इनका। जैसा कि मेरा हर बार का डायलॉग कि गौरी ने तो टेस्ट कर लिया, अब मेरी बारी आ चुकी है और मुझे भी भूख लग रही है, और ये यहाँ से छुप छुप के अभी भी खा रहा है, ये रंगे हाथ पकड़ा गया। तो मैं करूँगी पहले सबसे पनीर कर लूँ ना, तो मैं कर लेती हूँ पनीर ट्राई। इस पर मतलब ये भी कर वो करा हुआ है ना, तंदूर करा हुआ है। हाँ ये इसमें चटनी लगा के फ्लेवर आ रहा है, अकेले कुछ अच्छा नहीं फ्लेवर आ रहा, मतलब क्योंकि पनीर थोड़ा रूखा रूखा होता है ना, तंदूरी में थोड़ा डिसअपॉइंटेड सा होता है। हाँ नहीं कई बार होता है कि अच्छे से रोस्ट भी होता है, बट इसमें थोड़ा सा मुझे फीका लग रहा है, मुझे पनीर वैसे बहुत कम ही पसंद है। मैं ट्राई करूँगी इसके मोमोज ये, अरे पाइन एप्पल करूँ पहले, पाइन एप्पल मुझे कुछ ना अलग सा लगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने ना प्लेटर्स मैंने बहुत सुने हैं खाए हैं देखे हैं, बट मैंने ये नहीं पाइन एप्पल नहीं खाया उसके अंदर, तो कुछ डिफरेंस आया, पता नहीं कैसा फ्लेवर देने वाला है। खा मैं सोचे तेले रख देती हूँ, फिर तो अब दो तीन वीडियो में ना आया तो फिर प्याज मुझे ही तो खाने हैं। नहीं,
हाँ थोड़ा अलग लगा खा के इसको, क्योंकि मैंने पहले तंदूर पाइनएप्पल नहीं खाया, इसमें पाइनएप्पल का अंदर जूस आ रहा है और बाहर से वो तंदूर आया पड़ा है, उसके ऊपर मैंने ग्रीन चटनी लगाई उसके बाद मैंने प्याज खा लिया, तो वो पहले कुछ स्पाइसी आ रहा है, फिर कुछ मीठा मीठा, फिर जूसी जूसी, वो सब मिक्स होके ओवरऑल सही लग रहा है मुझे, और जिसके लिए मैं एक्साइटेड थी वो मोमोज भी है। ये ठीक है, हम एक ही प्लेटर में अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं। हाँ ये है, मतलब अलग अलग जैसे किसी को ट्राई करना हो, अब अगर अलग अलग प्लेट ले 100 100 100 की तो ना खाई जाती और ना ट्राई होता इतना सब, इसमें वेज प्लेटर का यही फ़ायदा होता है कि थोड़ा थोड़ा सब पोर्शन में हम टेस्ट करके ट्राई कर सकते हैं इसको। ये भी पनीर वाले हैं, ये मस्त है। अभी तूने फिर वो वाले नहीं खाए, वो यार बहुत अच्छा फ्लेवर है इसका तो। गाइस अभी हमने सब कुछ फिनिश कर दिया है। यस हमारी जो उसके तंदूरी मोमोज थे ना ग्रीन वाले, तो मैं फटाफट खत्म करके इसको पता नहीं चला उसमें एक रह गया था, हमारी लड़ाई हो रही थी यार, मोमोज सही में बहुत ज्यादा टेस्टी थे, फिर हमने डील कर ली तंदूरी वाले, आज चाप देनी पड़ी अपनी। मैंने कहा तूने मेरा मोमो खाया ना, अब तो मेरे को अपनी चाप सैक्रिफाइस कर उसके बदले, और मोमोज यार मुझे तंदूरी प्लेटर वाले भी और दूसरे भी, पहाड़ी मोमोज, पहाड़ी मोमोज तो बिल्कुल दोनों ही बहुत औसम लगे मुझे, सबसे बेस्ट मुझे मोमोज लगे दोनों चीजों में, और पनीर ने मुझे थोड़ा, हाँ पनीर थोड़ा सा ना मतलब तंदूरी कुछ कमी लगी मुझे, पनीर के ना छोटे पीस रोस्ट करने चाहिए इनको तो ताकि अच्छी तरह पके अंदर से, क्योंकि उसके चार पीस होते हैं तो अंदर से थोड़ा कच्चा रहता है, थोड़ी बहुत तो चलता है वो उसका, वैसे नेचर ही ऐसा है, खाया नहीं अच्छा तो था मतलब बाकियों के मुकाबले कम। तो आज हमने बहुत बढ़िया कुछ ट्राई किया है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, होगी मैं आऊंगा, गौतम होगा कि नहीं, वरना आई मिस यू डाल दूंगी मैं उसमें, गौतम भाई सी यू सून, ये तो, बना पाएगी मेरे बिना वीडियो इसके तो लिए, तो कमेंट सेक्शन में इसके लिए तरह के चैलेंज है, मुझे थोड़ा सपोर्ट कर देना, पक्का नहीं आ पाऊंगा, मुझे थोड़ा सपोर्ट कर देना कमेंट सेक्शन में कि गौतम के वीडियो बिना वीडियो में ना पाऊंगी दो तीन, तो अगर आप चैनल पे नहीं होते सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, आप अगर यहाँ पे पहले विजिट कर चुके हैं और करनाल से हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना, मैं बोलूं। इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना, नई वहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं, वीडियो कब आएगी, कौन सी आएगी, कैसी आएगी, तो और कैसी चाहिए वो भी दे दिया करो।